रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए क्या बात है डॉक्टर ऐसा? आपके इन पुरस्कारों को देखकर लगता है कि आप समाज सेवक नहीं बल्कि संग्रहकार हैं, कलेक्टर हैं पुरस्कारों के। मेरा असली पुरस्कार तो उन बेगुनाह लोगों की आजादी है केडी, जो बिना वजह इतने सालों से जेल की सलाखों के पीछे मर रहे हैं, घुट रहे हैं, पुलिस और कानून के शिकंजे में घिरे हुए हैं। तुम तो एक वकील हो, कुछ करते क्यों नहीं ताकि सिस्टम बदले? केसेस पे धूल जमी हुई है, ना सजा मिलती है ना रिहाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो बनाए हैं डॉक्टर ऐसा, उम्मीद है कि स्थिति जल्द सुधर जाएगी, लेकिन आपके और पुलिस फोर्स के बीच में जो स्थिति है, जिस तरह से आप बार बार उन पर जुल्म का आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये स्थिति बिगड़ेगी। मेरी दुश्मनी पुलिस से नहीं है केडी, हिंसा से, और हिंसा ही हिंसा को जन्म देती है। हाल ही में जिनेवा में एक ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसपे मैंने एक किताब लिखी है, उसकी एक कॉपी मैं तुम्हें जरूर दूंगा पढ़ने के लिए, तुम खुद पढ़ लेना। और अरे दवे, अभी अभी पुलिस की बात हो रही थी और तुम आ गए। और पुलिस भी इसे याद कर रही है। आज तक तो ये सिर्फ हमारे काम में दखल देता था, लेकिन आज इसने हम में से एक की जान ली है। आप क्या फरमा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? डॉक्टर इस्माइल रेजा, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ इंस्पेक्टर माइकल पिंटो। जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है आपको। खैर चलिए, आप अपना काम कीजिए। एक पुलिस वाले को मारकर तूने पूरी फोर्स को अपना दुश्मन बना लिया है रेजा। और हाँ केडी, बेहतर होगा कि तुम ये केस ना लो। चलिए। योर ऑनर, डॉक्टर इस्माइल रेजा, मशहूर सोशल वर्कर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। सालों से ये पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाते आए हैं, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी भाषा में हमारी पुलिस को कई नाम भी दिए हैं योर ऑनर, जैसे कि बेरहम, जल्लाद, शोषक। और पिछले दिनों रिलीज हुई एक फिल्म से प्रेरित होके उन्होंने पुलिस को राउडी तक बुलाया था। तो आ रहे हैं डॉक्टर रेजा, आपके शब्दकोश में शब्द तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के प्रति नफरत भी बढ़ती जा रही है। सो नाउ टेल मी मिस्टर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हु गेव यू द राइट टू किल अ ह्यूमन, खास करके पुलिस को क्यों मारा आपने? मैं खुद हिंसा के खिलाफ हूँ, मैं किसी को मार ही नहीं सकता। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आपके विचार और आपके कर्मों में कोई तालमेल नहीं है। एनीवेज, छोड़ी छोड़ी छोड़ी, ये इंस्पेक्टर पिंटो कहीं वही तो नहीं है जिसके विरुद्ध आपने आंदोलन शुरू किया था या आरोप लगाया था कि उन्होंने अंडर ट्रायल दूध वाला रसिक मोहन की हत्या कर दी इन पुलिस कस्टडी? इतना बुरी तरह से मारा उन्होंने इंस्पेक्टर पिंटो और इंस्पेक्टर जाधव ने रसिक को कि वो वहीं पे मर गया, और फिर ये आरोप लगा दिया कि वो जेल से फरार होने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वही। जी हाँ, लेकिन अफसोस वो केस में हार गया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। अफसोस, अफसोस जब संयम के बाहर हो जाता है तो आक्रोश का रूप ले लेता है।
जाहिर सी बात है डॉक्टर रेजा कि इससे आपके आंदोलन में ठेस पहुंची होगी और आपके अहम को तो उससे भी बड़ी ठेस पहुंची होगी और इसीलिए आपने मीडिया के सामने इंस्पेक्टर पिंटो के विरुद्ध बहुत कुछ भला बुरा कहा। I'm sorry, Your Honor, भला तो कुछ कहा नहीं, बुरा बहुत कुछ कहा है उन्होंने। शायद इंस्पेक्टर जादव को याद हो। कैसे भूल सकता हूं मैं, इस डॉक्टर रेजा की वजह से मेरा और इंस्पेक्टर पिंटो का करियर बर्बाद होते होते बचा। मुझे याद है जिस दिन ये केस हारा था इसी अदालत में डॉक्टर रेजा ने हमें धमकी दी थी। थैंक यू। ये मत समझो तुम दोनों कि तुम केस जीत गए तो तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डल गया। उस बेरहम को मारने की सजा अगर कानून नहीं देता तो वो ऊपर वाला तुम दोनों को सजा जरूर देगा। तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। जो कानून के फैसले का मान ही रखेगा वो लॉ एंड ऑर्डर का क्या मान रखेगा? करेक्ट। इसी ने मारा है मेरे दोस्त को, इसी ने मारा है। डॉक्टर रिजा, एक बात ध्यान से सुन ले, आज से हर पुलिस वाला तेरा दुश्मन है। देखो जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हाँ मैं मानता हूं कि मैं इन दोनों से सहमत नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं माइकल पिंटो को अपना दुश्मन समझता था। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। आपने अपने काम को कुछ ज्यादा ही सिंसियरली ले लिया डॉक्टर रिजा, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर पिंटो का काम ही तमाम कर दिया है। 7 जून शाम 4 बजे सागर टावर्स फ्लैट नंबर 509 इंस्पेक्टर पिंटो का घर, याद है कुछ? डॉक्टर रेजा आप और यहां? डॉक्टर रेजा ने इंस्पेक्टर माइकल पिंटो के सर पर लोहे के सलिए से वार किया। क्या कहा था मैंने? जो इंसाफ कानून नहीं करेगा वो कोई और करेगा। मैं, अब तुम किसी कमजोर पर अपना हाथ नहीं उठा पाओगे, इंस्पेक्टर माइकल पिंटो। फिर उनके अधमरे शरीर को चद्दर में लपेट कर उसी टेरेस पे ले गए जिस टेरेस से इन्होंने इंस्पेक्टर माइकल पिंटो को नीचे फेंक दिया था। सबको ये लगे कि उनकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है, ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई है, ना कि सर पर वार होने की वजह से। और इसका सबूत भी है मेरे पास योर ऑनर, ये लोहे का सलिया जो पुलिस को सागर टावर्स की पार्किंग लॉट से मिला। इट्स हेवी योर ऑनर। इस रॉड पे ना ही सिर्फ इंस्पेक्टर पिंटो का खून था पर उनके बाल, सर के बाल भी थे। एंड बिफोर यू रेज अ पॉइंट मिस्टर पाठक, लेट मी टेल यू, उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं। मेरे केस से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास जो सबूत है वो उसके सामने ये फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, व्हाटएवर बहुत छोटे हैं। जसवाल साहब, आपने बताया नहीं कि ये केस आप कितने समय में खत्म करने वाले हैं? 10 बस। क्या बात है, लगता है कोई बहुत तगड़ा सबूत आपके हाथ है। कहावत नहीं सुनी आपने, 100 सुनार की 1 लोहार की? क्या दिन और तारीख बताई थी आपने जयसवाल साहब हत्या की? 7 तारीख। 7 तारीख, समय? बिटवीन 4 to 5 PM। 4 से 5 के बीच में। महीना? जून। साल? जोकिंग, नॉनसेंस, कॉमन सेंस मिस्टर जयसवाल। क्योंकि 7 जून को 4 और 5 बजे के बीच डॉक्टर इस्माइल रेजा अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस पर थे तो जाहिर है कि ये सागर अपार्टमेंट्स 509 में हो ही नहीं सकते। जी हाँ, मैं अपने फार्म हाउस में रहकर अपने लंदन यूनिवर्सिटी जहाँ मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ
वहां के स्टूडेंट्स के पेपर्स करेक्ट कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, अलीबाग वाले फार्म हाउस, सोशियोलॉजी के पेपर्स। जी हाँ। कोई है सबूत गवाह इस बात को साबित करने के लिए कुछ? जी हाँ, मेरे परिवार वाले और मेरे मुलाजिम जो आपके कहने पे दिन को दिन और रात को रात कहेंगे कम ऑन डॉक्टर रेजा, कोई और, कोई तीसरा नॉन पार्शल सबूत है आपके पास जो ये साबित करे कि आप अलीबाग में थे और सागर टावर्स के 509 में नहीं थे? जयसवाल, एंग्री यंग मैन, काम डाउन, क्यों खून जला रहे हो अपना? ये सबूत मैं दूं तो चलेगा? दौड़ेगा तो फिर आप दौड़िए मिस्टर जयसवाल, क्योंकि तीसरे सबूत आप खुद है। मैं ये अब जो बताने वाला हूँ आपको, उसके बाद आप खुद कहेंगे हाँ डॉक्टर रेजा अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस में थे, सागर टावर्स के फ्लैट नंबर 509 में नहीं। अब दिखाइए तो मानू। दिखाओ। आइए आइए मैदान में। हाँ हाँ, Lassen, can you hear me? This is Dr. Reza from India. Hello, Dr. Lassen. Dr. Reza, अदालत को समझाइए कि ये कहाँ की फुटेज है। ये मेरे लैपटॉप के वेब कैमरा की रिकॉर्डिंग है। अपने कोलीग डॉक्टर लासन से बात करने की कोशिश कर रहा था इंटरनेट चैटिंग द्वारा। और मिस्टर जायसवाल, दिनांक और समय पर गौर कीजिए, 7 जून 4:15। ये झूठ। अच्छा, झूठ है योर ऑनर। बताइए डॉक्टर रेजा, अगर आप डॉक्टर लार्सन से बात कर रहे थे जैसा कि आपने कहा, इस बात को कोई सबूत है आपके पास? उस वक्त कॉल लगा नहीं, मैं बात नहीं कर पाया। मिस्टर जायसवाल, लगता है आपने ये दृश्य गौर से नहीं देखा, रिवाइंड करके दिखाता हूँ। फॉल्स। वो देखिए, डॉक्टर रेजा की मेज पर जो किताबें रखी हैं उस पर एक समाचार पत्र रखा है। लेट्स ज़ूम इन। आफ्टरनून टाइम्स, ये वही अखबार है मिस्टर जायसवाल जो बंबई से अलीबाग दोपहर के 2:30 बजे के बाद पहुंचता है। अखबार की सुर्खियां देखिए, गोल्फर रंजीव कौल और अभिनेत्री नेहा की शादी का खुलासा। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। गोल्फर रंजीव कौल और अभिनेत्री नेहा की शादी का खुलासा। डेट ऑफ द पेपर 7 जून। योर ऑनर, यही सबूत है कि डॉक्टर रेजा 7 जून को 4 और 5 बजे के बीच अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस पर ही थे। सौ सुनार की एक लोहार की बाकी है। अच्छा, गड़बड़ है। वन मोमेंट प्लीज, टेक योर टाइम। योर ऑनर, योर ऑनर, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये वाली जो पाठक साहब ने दिखाई है अलीबाग वाली, वो झूठी है, क्योंकि कंफर्म डॉक्टर रेजा 7 जून साल 2012 को 4 से 5 के बीच में इंस्पेक्टर पिंटो के घर में ही थे। योर ऑनर, ये कैसे संभव है? मैं साबित कर चुका हूं कि 7 जून को 4 और 5 के बीच डॉक्टर रेजा अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस पर थे। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दो जगहों पर कैसे हो सकता है? सही सवाल। माय रियली, ये पता है क्या है? आई डोंट नो, लेट मी थिंक मिस्टर जायसवाल। सीडी, इंटेलिजेंट। थैंक यू। इसमें क्या है? मैं वकील हूँ मिस्टर जायसवाल, भगवान नहीं, जब तक आप चलाएंगे नहीं मुझे कैसे ज्ञात होगा कि इस पर क्या है? सही कहा आपने। प्लीज। अब आप देखेगा पाठक साहब, और आप भी देखेगा योर ऑनर, डॉक्टर रेजा ने मिस्टर इंस्पेक्टर पिंटो के साथ क्या किया। ये इसलिए हमें पता चलेगा क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है ना पाठक साहब, वो पिंटो जी के घर पे लगे सिक्योरिटी कैमरा। कैन यू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मिस्टर जायसवाल, सीडी चलाइए ना। एज यू प्लीज सर।
silence in the court, please. गड़बड़ है मिस्टर जायसवाल. अच्छा, वो मैं नहीं हूं. खिड़ी, मैं तो अपने फार्म हाउस पे था, अलीबाग पे. जी नहीं, आप अपने फार्म हाउस पे नहीं, इंस्पेक्टर पिंटो के हाउस में थे 7 जून को 4 बजे. नहीं, मैं साबित करता हूँ. थोड़ा रिवाइंड करके आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, ये पीछे जो टीवी चल रहा है उसमें जरा गौर दीजिएगा. अभी पाठक साहब, क्रिकेट मैच चल रहा है, लाइव, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड. 7 जून लॉर्ड्स में खेला जा रहा था ये मैच. 123 for 2, 23 ओवर्स, ये भारत की स्थिति है. तो आपके चेहरे के जो हाव भाव है, तो ये कहना चाहता हूँ कि आपकी स्थिति भी मुझे अभी समझ में आ रही है. चेहरे भी पड़ने लगे हैं. अरे सवाल ही नहीं है. आगे बढ़िए जसवाल साहब. नहीं, आप अगर चाहे तो किसी क्रिकेट, क्या कहते हैं हिंदी में, विश्लेषक को पूछ सकते हैं. राइट. व्हाट? 7 जून शाम 4 बजे डॉक्टर रेजा अलीबाग में, और उसी दिन सागर टावर वर्ली में भी. ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक आदमी दो जगह कैसे हो सकता है? बिल्कुल संभव नहीं है. केड़ी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मैं कसम खाता हूँ वो मैं नहीं हूँ. नहीं, कसम तो मैं भी खाता हूँ. उससे क्या हो? तो उससे कुछ नहीं होता है. आप थे या आप नहीं थे? अगर आप नहीं थे तो कौन? ये आपका जुड़वा भाई था? मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है. Great, that solves the problem, Your Honor. अगर जुड़वा भाई नहीं था तो डॉक्टर रेजा ही थे जिन्होंने खून किया. केडी, I am telling you the truth. मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है. चाहो तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हो. अलाहाबाद के रॉयल हॉस्पिटल में मेरी माँ ने सिर्फ मुझे जन्म दिया है. डॉक्टर रेजा, हो सकता है कि आपका कोई जुड़वा भाई हो जिसकी जानकारी आपको ना हो. हो सकता है कि आपकी माताजी ने किसी कारणवश ये जानकारी आपसे छिपाई हो. पॉसिबल. कल रात को राम और श्याम देखी थी आप, वो डबल रोल वाली. जोक्स अपार्ट, चलिए बात तो खींचते क्यों है, साबित ही कर देते हैं. योर ऑनर, विथ योर काइंड परमिशन, मैं इनकी माताजी से बात करना चाहूंगा, उन्हें फोन लगाना चाहूंगा अलाहाबाद. ओके, गो अहेड. नमस्कार श्रीमती रेजा जी, मैं मुंबई हाई कोर्ट से पब्लिक प्रोसिक्यूटर I.M. जायसवाल बोल रहा हूँ, और फिलहाल आपके सुपुत्र मेरे सामने हॉट सीट पर, सॉरी, कटघरे में है और बड़ी दुविधा में है. आप मिसेस रेजा, मैं खेड़ी पाठक बोल रहा हूँ. एक प्रश्न पूछना था आपसे जिसका उत्तर आपके बेटे इस्माइल के केस में निर्णायक हो सकता है. मेरा बेटा बेकसूर है, उसे बचा लीजिए. मिसेस रेजा, प्लीज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए. क्या इस्माइल का कोई जुड़वा भाई है? क्या? बिल्कुल नहीं. ये बात आपको किसने कही? इस्माइल मेरा इकलौता बेटा है. इलाहाबाद के रॉयल अस्पताल में उसका जन्म हुआ है. आप चाहे तो मैं उसके रिकॉर्ड्स, उसके सारे पेपर, सब कुछ भेज सकती हूँ. जी जी जी, जरूर भेजिएगा. हमारे इस केस में सहायता होगी. धन्यवाद. शब्बा खैर. ये ऑप्शन जो है डबल रोल वाला या जुड़वा वाला, वो तो रहा नहीं. अगर ये ऑप्शन नहीं रहा जायसवाल साहब, तो ये और ऑप्शन होगा. आपको आपत्ति तो नहीं अगर मैं वो फुटेज एक बार और देख लूं? ऑल योर्स. थैंक्स फॉर योर रिमोट. डॉक्टर रेजा, आप लिखने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए, रोजमर्रा के कार्य करने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल करते हैं? आई यूज माई राइट हैंड. केडी, आप दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं. मिस्टर जायसवाल, गौर से देखिए, ये पनवेल का फुटेज जहां डॉक्टर रेजा लिख रहे हैं, अपने दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, और ये आपके CCTV सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज जहां आक्रमण करने वाला व्यक्ति अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड. योर ऑनर, एक राइट हैंडेड व्यक्ति आक्रमण करने के लिए अपने बाएं हाथ का उल्टे हाथ का इस्तेमाल क्यों करेगा? एक्ट ऑफ इंपल्स, योर ऑनर. अक्सर आवेश में आके या तनाव में आके इंसान से ऐसी गलती हो जाती है. राइट के बजाय लेफ्ट. सो गुड थियरी बट डजंट होल्ड वाटर मिस्टर जायसवाल.
योर ऑनर, आक्रमण करने वाला हमेशा अपने ताकतवर हाथ का ही इस्तेमाल करेगा, अपने उल्टे हाथ का नहीं। ये आम जानकारी है, दुर्भाग्यवश हमारे दोस्त के पास ये जानकारी नहीं। स्पष्ट बात है योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर रेजा इनके फुटेज के अनुसार इनके अलीबाग वाले फार्म हाउस पर थे, और जायसवाल साहब के फुटेज के अनुसार ये जो व्यक्ति है ये मेरे मुवक्किल को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। यानी आपका मतलब है कोई हमशक्ल है? हमशक्ल कहिए, बहरूपिया कहिए, लेकिन कोई तो है योर ऑनर जिसने पूरी तरह से डॉक्टर रेजा की नकल की, लेकिन ये भूल गया कि डॉक्टर रेजा राइट हैंडेड है। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि सीसीटीवी कैमरा की इस फुटेज में जो व्यक्ति है वो मेरे मुवक्किल डॉक्टर रेजा को फंसाने का प्रयास कर रहा है। योर ऑनर, केडी पाठक केस को गुमराह कर रहे हैं। आई रियली डोंट नो मिस्टर पाठक। विपक्ष की दलील के बाद ये अदालत भी सोच में पड़ गई है कि सच क्या है, लेकिन मिस्टर पाठक की बातों पर गौर करते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हत्या किसी हमशक्ल नहीं की है। इसलिए पुलिस को तलाश जारी रखने की हिदायत देते हुए यह अदालत डॉक्टर रेजा को बाइज्जत बरी करती है, लेकिन उन्हें इस बात की हिदायत दी जाती है कि जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं हो जाता वो इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकते। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिस्टर जायसवाल, आपका रिमोट और आपके 10 मिनट पूरे हुए। केडी पाठक, तुमने एक हत्यारे को रिहा करवाया है। इस गलती का एहसास तुम्हें आज नहीं कल होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी बात को याद रखना तुम। तेरी आंखों के नीचे काला होता जा रहा है, पता है बन? क्या बात है, रात को सो नहीं रहा है? शेफाली के साथ पार्टी कर रहा है आजकल। हाँ सर, पार्टी शाड़ी चल रही है सर। पार्टी से याद है, डॉक्टर रेजा ने अपनी रिहाई की खुशी में एक पार्टी रखी आज रात को, और आपको खास बुलाया। वरुण, तू तो जानता है ये पार्टी वार्टी मेरे बस की बात नहीं है, फोन करके सॉरी बोल देता हूँ। मैं नहीं जानता था डॉक्टर रेजा को भी गजलों का शौक है। सही, किसकी आवाज है? डॉक्टर रेजा की। अच्छा गाते हैं। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए। माला 100% माहित है वर्षा, डॉक्टर रेजा ने ही मारा है पिंटो को। जो कानून के फैसले का मान ही रखेगा वो लॉ एंड ऑर्डर का क्या मान रखेगा? किसी ने मारा है मेरे दोस्त को, किसी ने मारा है। क्या वो मेरे पीछे आएगा? उसकी इतनी हिम्मत? इतने बड़े केस से बाल बाल बचने के बाद वो मेरी जान के पीछे पड़ेगा? ना तो वो इतना बेवकूफ है और ना ही इतना पागल।
एक ही हफ्ते में दूसरे पुलिस वाले की हत्या। जिस दिन हत्यारा मिल गया ना, उसकी जान हलक से मैं निकालूंगा। मिल गया साहब, साहब मिल गया साहब। ये फुटेज बिना सीसीटीवी कैमरे का। हेलो हेलो केडी, हेलो, थैंक यू। तुम इस दुनिया में नहीं होते तो ये यादव इस दुनिया में होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुमने क्या किया केडी? दुनिया में नहीं होते तो ये यादव इस दुनिया में होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। केडी, मैंने तुमसे कहा था ना, ये केस मत लो। डॉक्टर रेजा वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, पर नहीं, तुम्हें तो मसीहा बनना था, बचा लिया ना खूनी को। दबे, ये वो बहरूपिया भी तो हो सकता है। केडी, इस केस में कोई बहरूपिया हो ही नहीं सकता। जब से जादव मारा गया तब से डॉक्टर रेजा फरार है, ना अपने घर में ना अपने फार्म हाउस में, क्योंकि वो जानता है इस कत्ल के बाद तुम तो क्या भगवान भी उसे नहीं बचा सकता पुलिस से। केडी, तुमने ये क्या किया? काश काश तुम ये केस लेते ही नहीं। रुक ना दवे, मैं करता हूं डॉक्टर रेजा को फोन। नहीं उठाएगा फोन वो केडी, फरार है वो। ये बुक मिली है तुम्हारे नाम पे, पढ़ लो, तुम्हें तो बहुत खुशी होगी। तारीफों के पुल बांधे तुम्हारे लिए उसने। लिया केडी, मुझे बचाकर तुमने सिर्फ मुझ पर नहीं, पुलिस अत्याचार के खिलाफ मेरे आंदोलन पर भी एहसान किया है डॉक्टर इस्माइल रेजा। ये है उसका आंदोलन, पुलिस ऑफिसर्स की हत्या। तबे, वो उसका डुप्लीकेट ही होगा। वरुण, इसे आई का दाग देख रहा है? तो लगता है इंक हथेली पर लगी और वही निशान इस किताब पर। करेक्ट, और पन्ने के लेफ्ट साइड पर लगी है। तो केडी, तो ये दवे कि किसी ने ये संदेश बाएं हाथ से लिखा है, दाएं हाथ से नहीं। सब पर हैंडराइटिंग तो डॉक्टर रेजा की है। लगता तो ऐसा ही है कि डॉक्टर रेजा तो राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड से संदेश कैसे लिखेंगे? ऐसा तो नहीं कि वो भय हस्त हो। मतलब एम्बिडेक्स्ट्रस। मतलब ये दबे कि उतनी ही सरलता से एक व्यक्ति दाएं और बाएं दोनों हाथों का प्रयोग करता है, लेफ्ट हैंडेड भी और राइट हैंडेड भी। केडी, अब इस बात का खुलासा करने का क्या फायदा, जादो तुम्हारा भी। मानो या ना मानो, उसकी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हाथ है। यस मिस्टर केडी पाठक, दैनिक समाचार से बोल रही हूँ। जिस अपराधी डॉक्टर रेजा को आपने छुड़वाया है उसने एक और कत्ल कर दिया, क्या कहेंगे आप अपनी इस गलती पर? होल्ड करिए सर। हेलो मिस्टर केडी पाठक, कॉलिंग फ्रॉम कलकत्ता। डॉक्टर रेजा ने आप जैसे बुद्धिमान लॉयर को कैसे चकमा दिया? यू मस्ट बी फीलिंग अशेम्ड। एक पुलिस वाले को मारकर तूने पूरी फोर्स को अपना दुश्मन बना लिया है रेजा। और हाँ केडी, बेहतर होगा कि तुम ये केस ना लो। इस डॉक्टर रेजा की वजह से मेरा और इंस्पेक्टर पिंटो का करियर बर्बाद होते होते बचा। मुझे याद है जिस दिन ये केस हारा था, इसी अदालत में इस डॉक्टर रेजा ने हमें धमकी दी थी।
डॉक्टर रेजा ने इंस्पेक्टर माइकल पिंटो के सर पर लोहे के सले से वार किए, फिर उनके अधमरे शरीर को चद्दर में लपेटकर उसी टेरेस पे ले गए जिस टेरेस से इन्होंने इंस्पेक्टर माइकल पिंटो को नीचे फेंक दिया था। वो मैं नहीं हूं खिड़ी, मैं तो अपने फार्म हाउस पे था अलीबाग पे, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। केडी पाठक, तुमने एक हत्यारे को रिहा करवाया है, इस गलती का एहसास तुम्हें आज नहीं कल होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम इस दुनिया में नहीं होते तो ये यादव इस दुनिया में होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। यादव तुम्हारा गया, तो मानो या ना मानो उसकी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हाथ है। हेलो, कैसे हो केडी? क्या कर रहे हो? मेरे बारे में सोच रहे हो? मेरी फिक्र मत करो, मैं बड़े ही आराम से तुम्हारी वजह से एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। कहां जाकर छिप गए डॉक्टर? क्यों मिलना चाहते हो? तुमसे तो हम जरूर मिलेंगे केडी, तुम पुलिस वाले थोड़े। इसलिए मेरे दोस्त रंजशी से ही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए कहा रतन मिल्स के गोदाम नंबर 7 में आता हूं। डॉक्टर रेजा, डॉक्टर रेजा, डॉक्टर रेजा, डॉक्टर रेजा, डॉक्टर रेजा किसने किया है? उसने, डॉक्टर, उसने मुझे गांगवा किया। किसने? किसने डॉक्टर? किसने? उसने मर चुके हैं। मेरे यहां आने से पहले ही किसी ने इन्हें चाकू मार दिया था। देखो केडी, मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं पहनाना चाहता, बेहतर होगा कि तुम पागल हो गया क्या तू दबे? तुझे लगता है कि मैंने इन्हें मारा है? केडी पाठक,
डॉक्टर इस्माइल रेजा के कत्ल के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.